ये आवाज सुन रहे हो? यहाँ पे एक बर्ड है उधर। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने सिटी को, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। आपको भी दिखाते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं, ये जो छोटी छोटी लेन्स है उस तरफ जाएंगे, देखेंगे कि अंदर क्या है, वही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी लेन्स में हम लोग कम ही गए हैं, तो देखते हैं इस साइड क्या है। ये आ गए हम गलियों के अंदर। अंदर एक्चुअली काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, जैसे कि ये देखो, पता नहीं लगता है कि रास्ता किस तरफ है, लगता है कि प्लान है नहीं, लेकिन ये ऐसे ही मुझे प्लान लगता है इसी तरीके से। ये आप देख सकते हो जो ये पाइप्स है इतनी सारी, ये गैस के पाइपलाइंस हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, बाहर ऐसे ही रखते हैं किसी भी कंपाउंड के या किसी भी अपार्टमेंट के बाहर, बिल्डिंग के बाहर। अंदर की सड़कें सेम ही लगती है, छोटी छोटी गलियाँ, लेकिन बहुत शांत होता है और ऊपर से साफ भी, तो घूमने में मज़ा आता है। आई थिंक ये जो है ये शायद ड्रैगन फ्रूट का है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का प्लान भी कुछ ऐसे ही होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन फ्रूट्स ये प्लांट हर जगह दिखते हैं, ऑलमोस्ट लोगों ने अपने घर पे लगा रखा है। तो आज इस तरफ चलते हैं, घर तो अंदर भी बड़े बड़े ही हैं, बट इस तरफ अंदर गलियों में, जैसे हमारे उधर मेन रोड के पास जैसे सोसाइटीज़ होते हैं, इस तरफ वैसा सोसाइटी नहीं है, इंडिविजुअल घर ज़्यादा है, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स। ये एक्चुअली देखने में इंडिया के अंदर घूम रहे हैं ऐसे ही लग रहा है, जैसे गलियाँ होते हैं। आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया में घूमो, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ, तो मुझे ऐसे अंदर गलियों में जाने से वही नॉर्थ इंडिया में ही, दिल्ली के आसपास ही कहीं घूम रही हूँ, जैसे अंदर गलियों में वैसे ही लगता है, बिल्डिंग्स देख के तो वैसे ही लगता है। किसी का घर अंकल बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत है। संडे है शायद इस वजह से, या फिर ये जो टाइम है अभी 2:30 बज गए हैं, तो इस टाइम यूजुअली लोग रेस्ट करते हैं, इनका आफ्टरनून नैप का कल्चर है, सिएस्टा। तो आई गेस लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं आफ्टर लंच। बीच बीच में आपको जैसे ट्रेडिशनल घर दिखेगा, जैसे आगे देखो ये वाला, इस घर का जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल, जैसे पुराने बिल्डिंग्स है, पुराने घर जो है यहाँ पे, उस टाइप के घर आपको बीच बीच में मिलेगा, ये गलियों में ही मिलेगा आपको, मेन रोड पे सड़कों पे सोसाइटी में तो उस साइड तो नहीं है। बच्चे घूम रहे हैं, आपको सैर के लिए ले जाए, ले गई है, लोग हैं ही नहीं, सारे घर के अंदर है या फिर बाहर कहीं घूमने गए हैं, संडे है। देखो फिर से थोड़ा सा पुराना सा घर आ गया है, गैस के लाइंस फिर से आ गए हैं, और ये वाला पार्ट looks like a mix of modern and traditional houses. ऐसे parts भी मुझे काफ़ी पसंद है, ऐसी जगह explore करना। बच्चे तो कम ही घूम रहे हैं, थोड़ा पुराना घर आ गया। अच्छा अभी हम आगे रोड पे, मेन रोड पे आने वाले हैं, वाला गली पे खत्म हो गया। ये हम आ गए हैं, ये क्या है, कॉलेज है,
सा कैंपस है कि आगे आपको दिखेगा, मेरे बच्चे भी हैं, यहीं के स्टूडेंट होंगे। ये रहा कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है गेस कोई, तो अंदर ही इनके डॉर्मेट्रीज भी होंगे, तो स्टूडेंट्स अंदर ही रहते हैं। कभी इस जगह पे काफ़ी चहल पहल रहती है शाम को भी, और क्योंकि मैं इवनिंग वॉक में इस साइड आती हूँ तो शाम को काफ़ी सही रहता है। ये देखो, ये जो एक छोटा सा सर्विस लेन है कार्स के लिए बेसिकली, और इसके बगल में जो रास्ता है ये वाला पेडेस्ट्रियन वे और साइकिलिंग के लिए है। पेड़ का आप देखिए, हर जगह रोड पे आपको काफ़ी छाव मिलेगा। यहाँ पे किस साइड भी जा रहे हो आप, मेन रोड पे गाड़ी चला रहे हो या ये सर्विस लेन पे हो या फिर आप ये साइकिल वे में, हर जगह भी आपको छाव मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट चाइना। इस गली से चलते हैं, देखो कितना ज़्यादा शेड है, छाव काफ़ी है, गर्मी है लेकिन उतना असर हो नहीं रहा है इस जगह पे, इस रोड पे, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे। देखो आप जिस तरफ भी जाओ, छोटे गलियाँ या छोटे छोटे लेन्स जो है, हर जगह आपको एक सिस्टम दिखेगा, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से। थोड़ा प्यारा लग रहा है, आई थिंक ये कैफे है छोटा सा। तो ये देखो पुराना स्ट्रक्चर है, उसी को इन्होंने कैफे में कन्वर्ट कर दिया। एंजॉय कॉफी। ये हम दूसरे गली में आ गए। देखो यहाँ पे केले के ही सारे पेड़ हैं यहाँ पे, और पुराने घर। इस रोड पे पहले कभी नहीं आई लेकिन मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट इज दिस, ये वाला बिल्डिंग समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो है, लाइब्रेरी जैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, मे बी प्राइमरी स्कूल आई गेस। सामान लेके आ रहे हैं, आई थिंक कुरियर का कोई शॉप होगा, सॉरी कोई ऑफिस। ये आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे एक बर्ड है इधर। ये घर की याद आ गई मुझे। शांत सा एरिया एज यूजुअल, यहाँ पे हर जगह शांति ही शांति है। अभी हम इस रास्ते पे चलते हैं, इधर क्या है, आई थिंक ये एंड है, और ओके इस बिल्डिंग के लिए है, और इस तरफ पता नहीं क्या है, आके देखते हैं थोड़ा सा। ओ आई गेस हम लोग उसी तरफ से निकलेंगे शायद, जो वो पेड़ का सॉरी केले के पेड़ का दिखा एरिया। Let's go back. तो अभी हम लोग घूम फिर के यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेरे पीछे, there are some new buildings, new apartments, और इस साइड जो है ये सारे पुराने बिल्डिंग है, पुराने होकर भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग है। अगेन आप देख सकते हो शांत है, साफ है, और पीसफुल है। मुझे तो ऐसी जगह घूमना बहुत पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बताना हाउ इफ यू लाइक दिस व्लॉग। तो ऐसे ही और जगह चाइना में हम लोग जहाँ भी जाते हैं, आई विल ट्राई टू कवर देम, आई विल ट्राई टू शो देम एज मच एज पॉसिबल। तो आज के लिए बाय, टेक केयर।